जय 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 जय
एक
कालं परे दैवं एके कालं परे दैवं कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। ये कौन किन से कह रहे हैं? कुछ इसे प्रकृति के कारण बताते हैं। किसको? सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर कर्मफल बताता है कोई, कोई कहता है प्रकृति की वजह से बोला। अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। तात्पर्य, दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण, जीवात्मा कोई जड़ पदार्थ तो नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामाकर्षित जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती हैं, किंतु वे जीवात्माएं प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आती हैं। यह तथ्य है, प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाओं को त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ है। अतः श्री नरोत्तमदास ठाकुर हमारे महान आचार्यों की सलाह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे।
तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं। जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, जो ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, त्यों ही हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं। भगवान से हम लोग संबंध भूल जाते हैं तब गिर जाते हैं। जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं, हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकर्षित होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा मटकना मटकने घूमना भटकना हमारा भटकना बंद हो जाए। हम ज्ञान तमिरंदस्य ज्ञान जनशिला चक्षुर्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकं ददाति सुखदं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीपदपदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सर्वनरनाथं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखामृतांशं। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे सेवा का मौका मिला भागवतम की सेवा करने का और आप सबकी सेवा करने का। तो बड़ा ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। आप लोगों ने अभी महाराज ध्रुव की पूरी कथा सुनी, कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, इतना अद्भुत तपस्या करके 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये मतलब एक दृष्टि से ना भूत हो ना भविष्य, इतने जल्दी और ऐसी तपस्या ध्रुव लोक को प्राप्त करना और सारे संसार का सांस रुक जाना उनके जस्ट अंगूठे के प्रेशर से, और फिर भगवान को प्राप्त होना और भगवान को प्राप्त होने के उनकी जो स्तुतियां हैं 12 श्लोकों में उन्होंने की, जैसे बोला जाता है सारे वेदों का सार है 12 श्लोक वेद है पूरा सार, क्योंकि ही वॉज एम्पावर्ड बाय लॉर्ड। भगवान का शंख है उसमें वेदिक ध्वनियाँ रहती है साउंड, उन्होंने उस पर भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप जी मेरे जो सुप्त इंद्रियां थी उनको जीवित कर दिया। तो उसके बाद में ध्रुव महाराज वापस जाते हैं घर और नारद मुनि उनके पहुंचने से पहले ही क्या कहते हैं उनका आने की खबर उनको बता देते हैं
उनके पिताजी और घर वालों को उनको रास्ते से ही पिकअप करते हैं लोग। और फिर बाद में वो राजा बनते हैं, और इस राजा बनने के बाद काफी समय बाद ये घटना हो जाती है। उनके जो बड़े भाई थे उनका क्या होता है, उनका वो एक यक्ष के द्वारा मारा जाता है। और फिर जब ये ऐसे सुनते हैं तो ध्रुव महाराज क्रोध से उनको ये पूरे यक्ष के समाज को समाप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल युद्ध होता है, और उस विशाल युद्ध में ध्रुव महाराज अभी इस प्रकार से उन्होंने डिटर्मिनेशन कर लिया था कि अभी सारे के सारे यक्ष समाज को समाप्त कर दूँ, और वो बाण छोड़ने वाले थे इसके लिए। तो क्या होता है, स्वयं मनु आ जाते हैं। फिर स्वयं मनु इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार से उनको समझाते हैं। पहले तो उनको डांटते हैं, उनको डांटते हैं काफी कि ये तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम्हें तुम जो करोगे लोग उसको उदाहरण मानेंगे, तुम्हें भगवान तुमने भगवान को प्राप्त किया, इतने महान भक्त हो तुम जो भी कार्य करोगे लोग कहेंगे कि देखो ध्रुव महाराज ने ऐसे किया था, हम भी कर सकते हैं। और फिर वो कह रहे थे कि तुम्हें धर्म बताना चाहिए, ऐसे अपने मन के वशीभूत होते हुए तुम कार्य कर रहे हो, ये ठीक नहीं। तो फिर एंड अभी वैसे बोलते 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 जय जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा की जय, तो आज के श्लोक पे आते हैं। वो बोलते हैं कि देखो वास्तविक में एक यक्ष ने मारा, बाकी यक्षों तो बेकसूर हैं, उन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो तुम बाकियों का वध क्यों कर रहे हो, एक की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हो। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कभी कभी ऐसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल अंडरस्टैंडिंग, एक सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं या फिर कुछ किसी एक व्यक्ति की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है कि उधर के सारे लोग ऐसे ही हैं, और कभी कभी वैष्णव समाज में ऐसे करते हैं। ये इस प्रदेश का है तो इस प्रदेश के सारे लोग ऐसे हैं, और कोई पंजाब से हो, कोई बिहार से हो, कोई महाराष्ट्र साउथ इंडिया से हो, तो बोलेंगे प्रभु जी मुझे पता है साउथ इंडिया के बहुत भक्तों से मिला हूँ मैं, सारे ऐसे हैं। इस प्रकार का जो विचार होता है ये शास्त्र में बोले नरक ही देती है, इसको नरक का रास्ता खोल देगी इसके। हम वो इस जगत इस जीवन में भी नरक में जिएगा, क्योंकि नरक मतलब क्या, यातना है, यात्रा मन में परेशान है, जो वास्तविक भक्ति का सुख है उसके हृदय में प्रकाशित नहीं है। तो सर्कमस्टेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार होती है। एक बार जो ये इसी प्रकार की सर्कमस्टेंडिंग भरत महाराज के साथ ही आप लोग जानते होंगे। भरत महाराज ने तो कुछ किया नहीं था, किया किन्होंने था, उनकी माता ने किया था, उनकी माता ने राज्य मांगा था भरत के लिए और राम को वनवास के लिए। लेकिन सारे अयोध्यावासी यही सोचते थे ये माँ बेटा मिले, इन दोनों ने मिलकर किया ये। और फिर जब भरत महाराज ने ये क्या कहते इस प्रकार का व्रत लिया कि मैं नंदीग्राम में रहूँगा, अयोध्या से बाहर रहूंगा, और भरत महाराज नीचे सोते थे और जमीन के नीचे सोते थे गड्ढा बना के, और उनका खाना भी बहुत कॉस्टियर था, सोना, वो सिर्फ छाल पहन के रहते थे, राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे अयोध्या।
तो लोग क्या कहते थे, लोग कहते थे ये सब नाटक है। जैसे पॉलिटिक्स में लोग पब्लिक को जीतने के लिए, पब्लिक को ओपिनियन जीतने के लिए लोग करते हैं, वैसे कर रहा है ये सारा नाटक है इसका। राम को इन्होंने क्या भेज दिया था उनको 14 साल तक, कई सारे ऐसे लोग थे अयोध्या में उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, भरत को सहन करना पड़ा। तो सर्कमस्टेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। हम लोग किसी कोई व्यक्ति किसी से कनेक्टेड होता है, अगर उस व्यक्ति के वजह से हुआ तो हम लोग उसके कनेक्टेड लोगों को भी ब्लेम करते हैं, उसकी पूरा ऐसी दृष्टि होती है जैसे उसके प्रति थी, तो ये गलत है। तो ये एक चीज हमें यहाँ पे सीखनी चाहिए, उसमें एक व्यक्ति से गलती हुई थी, इसके लिए सारे के सारे यक्ष समाज को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। तो फिर अलग अलग तर्क देते हैं, फिर आज भी तर्क मतलब फिलोसॉफिकली बताते हैं। तो आज बोल रहे हैं कि देखो, अगर जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था फिलोसॉफी भगवद गीता में, वैसे ही अभी स्वयं हो मनु इनको बता रहे ध्रुव महाराज को। देखो दिखने के लिए लग सकता है कि उस यक्ष ने मारा, वो क्या है, ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अभी कोई व्यक्ति आकर मुझे चाकू मार दे तो मैं चाकू को ब्लेम नहीं करूंगा, ये चाकू नहीं कैसे मारा, चाकू को ही मैं कोस रहा हूं, तो क्या है ये, उसको लोग सोचेंगे पागल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मार रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो व्यक्ति नहीं मार रहा है, उसके कर्म उसे मार रहे हैं, इस प्रकार से सोचे तो वो क्या बोलेगा, जो सेच रहे हैं। मैं एक बार पुणे में था, वैसे मैं जॉब करता था 10-12 साल के पूरे, उस समय मैं केले खा रहा था, जैसे मैं साइड में था, रोड के साइड में मैं गाड़ी लगा के शांत ले रहा था, तो केले खाए नहीं, और मैंने केले का छिलका ऐसे फेंक दिया, तो फेंका तो मैंने देखा कि गिरगिट के पास में गिर गया। गिरगिट के पास में जब गिरा तो गिरगिट उसकी तरफ मुड़ा और उसी की तरफ देखता रहा काफी देर तक, उसे लग रहा था इधर से कुछ ये कुछ हो रहा है। फिर मैंने केले का छिलका, मैंने जब देखा इस प्रकार से सोचा केले का छिलका दूसरी तरफ ले, तो वो दूसरी तरफ काफी देर उधर देखता रहा। फिर ऐसे 2-4 बार हुआ, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि बालिश बुद्धि है उसकी, पशु बुद्धि है, तो उसे ये समझ नहीं आया कि वास्तविकता में केले मैं उस पर अटैक कोई ऊपर से पड़ा है, उसे लग रहा कि अटैक यहीं कहीं से हो। इसी प्रकार हम लोग भी जो हमारे जीवन में हो रहा होता है चीजें वस्तुएं, हम लोग क्या लग रहा था इसके वजह से हो रहा है, इस साइड से ये नहीं होता तो सब ठीक होता, हम लोग यही सोच रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं देखते कि ऊपर से कुछ लिखा जा रहा है, ऊपरी अरेंजमेंट से होता है। तो यही चीज जब जो क्या कहते हैं गजेंद्र इतने महान हाथी थे कि जब वो चलते थे रास्ते में तो उनके जस्ट सुगंध या बदबू से जो भी था, और या फिर उनके जिस आवाज से कुछ जो भी बड़े शेर भालू आदि जो बड़े बड़े पशु पक्षी होते थे वो दूर भाग जाते थे डर के मारे, हाथी से, हाथी के डर के मारे से नहीं, गजेंद्र के डर के मारे थे। और वो राजा था वहां का, छोटे पशु पक्षी उसके शरण लिया करते थे, वो बड़े शांत आनंद में रहते थे, और जो दहशत करने वाले जो जीवात्मा है वो क्या थे, वो डर के रहते थे। तो गजेंद्र को लगता था मेरे ऐसा कोई है नहीं, सो पावरफुल, तो अपने सहपाठियों के साथ घरवालों के साथ वो क्या किया, उसने जब वो पॉन्ड में प्रवेश किया
और वो आनंद ले रहा था उस समय। उस समय क्या हुआ, एक गजेंद्र ने आके उनके पैर पकड़े, सॉरी घड़ियाल, घड़ियाल ने आके उनका पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ा तो उनके लगे थे छोटा मोटा घड़ियाल, मान में लगा कि अरे ये तो छूट ही नहीं रहा, और थोड़ा सा मेहनत किया और तुमको लगा ये तो सीरियस, थोड़ा सीरियस मैटर, थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़े, और तुमने ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की। लेकिन वो घड़ियाल आने वाला नहीं था, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था इस पर, मतलब मेरे इलाके में आके परेशान कर रहे हैं, रोज आते रहते हैं। तो उसने पकड़ लिया, तो क्या हुआ, उसने बहुत ट्राई किया निकलने का, लेकिन निकलने के बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अभी बाकी जो हाथी और हथिनियाँ थी, उनकी पत्नियाँ थी, वो अवाक हो गई, वो थोड़ा डर के हमारे पीछे घूमने सारे, और वो दूर खड़े होकर देख रहे थे। काफ़ी समय तक गजेंद्र जी ने ट्राई किया, लेकिन अभी तो हो ही नहीं रहा, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा, इसने पकड़ रखा इसका पैर। तो बाकी जो हाथी थे, ऐसा वर्णन आता है कि वो क्या करते थे, उन्होंने भी ट्राई किया गजेंद्र को पकड़ के पीछे खींचने, दो चार हाथी जो जितने भी हाथी थे मिलके प्रयत्न कर रहे थे निकालने के, लेकिन वो घड़ियाल की ताकत बढ़ती जा रही थी और ये लोग उनको बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। और वो लोग क्या करते थे कि जब थक जाते थे बाकी हाथी खींच खींच के, तो जाते थे जंगल में कुछ खाना खाते थे, फिर आते थे, फिर खींचने की कोशिश करते, फिर चलता था, काफी टग ऑफ वॉर चल रहा था। ऐसे हजार साल बीत गए, उस समय गजेंद्र को लगा यार मैं अभी तो इतने समय से मैं हाथियों का राजा, 10,000 हाथियों का बल, और मेरे जैसा हाथी एक घड़ियाल, एक घड़ियाल, और मैं अकेला नहीं बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो हावी हो रहा है मेरे ऊपर। और जब उसको लगने लगा कि अभी तो मैं मर जाऊंगा, तब उसके मन में विचार आया कि ये घड़ियाल मुझे नहीं खींच रहा है, क्योंकि 10,000 हाथियों के बल वाला मैं और इतने सारे चीजें, इतने सारे लोग भी हेल्प कर रहे हैं, तो देश ये घड़ियाल मुझे नहीं खींचा, ये मेरे कर्मों ने मुझे पकड़ रखा है, ये मेरे कर्म मुझे खींच रहे हैं। और जैसे ही गजेंद्र ने ये विचार किया कि दिस इज माई कर्म, ये क्या है मेरा कर्म, जैसे ही ये विचार गजेंद्र के मन में आया, उसको पिछले जन्म की स्मृति आ गई, भगवान की कृपा उन पर हो गई, और उन्होंने क्या सोचा, उनको पिछले जन्म की जो स्तुति है वो याद है, और फिर उन्होंने प्रार्थना की। तो हम भी इस शिक्षा, इससे शिक्षा ले सकते हैं कि हम कभी, कई बार होता है ऐसा, हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं कई सारी चीज़ें, कुछ लोग मतलब बहुत मेहनत करते हैं, जब अच्छे से नींद आती है, कुछ लोग उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां हो गई, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं लेकिन उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो व्यक्ति को इन चीज़ों का, उसको ये सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये मेरे कर्म है, जो मुझे क्या कर रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे पकड़ रहे हैं या फिर जकड़े हुए, और फिर इससे बाहर निकलने का मेरे पास कोई उपाय नहीं, अपने बल से मैं क्या इससे बाहर नहीं निकल सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। तो इस गीत में श्री रत्ना ठाकुर जी बोलते हैं कि अनादि कर्म फले कोड़ी भगवान न चले, कि तारी बारे ना दिखे उपाय, मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा,
बहुत समय से, पता नहीं कितने समय से अनादि कर्म, एक दो जन्म का कर्म फल तो नहीं है। और एक जन्म क्या, एक दिन में हम लोग इतने सारे कर्म करते हैं कोई इसकी गिनती नहीं है। व्यक्ति के एक दिन में इतने कर्म होते हैं कि उसके कम से कम 2-4 करोड़ जीवन बुक हो चुके होते हैं। एक दिन की बात कर रहा हूं, वो सांस ले रहा होता था कितने कीटाणु मर गए होते हैं, और फिर जब वो चल रहा होता है और फिर लोगों से डीलिंग हो रही होती है, और जब लोगों से डीलिंग होती है आगे आता है इच्छाओं का वर्णन, जब लोगों से डीलिंग होती है गुणों का संग होता है उसके अंदर अलग अलग इच्छाओं के विचार चल सकते हैं। कोई समृद्ध देखता है तो उसे लगता है कि मुझे भी होना चाहिए, काश मैं भी होता, एक बुक हो सकता। फिर इस प्रकार से कोई स्त्री पुरुष मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं से उसके वासनाएं बढ़ती रहती हैं। तो एक दिन में इतने ही सारे होते हैं तो पूरे जीवन भर तो पता नहीं क्या है, और ऐसे एक जन्म नहीं कितने सैकड़ों जन्म, हजारों करोड़ों जन्म व्यक्ति इस भौतिक जगत में बिता चुका है। इसलिए बोले अनादि कर्म फले पड़ी भवार्ण वजले, भवार्ण मतलब ये संसार एक सागर के समान, सागर से कंपेयर किया है, इस सागर का मतलब अनलिमिटेड भव सागर में जल में गिरा हुआ। तारे बारे ना देखिए उपाय, इससे बाहर निकलने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा। ए विषय हला हले दीवानिशी लिया जले, और इस ये विषय हला, इस सागर में क्या है विषय, इंद्रियों के विषय भोग वस्तु, किसी के प्रति राग होगा किसी के प्रति द्वेष होगा स्वाभाविक रूप से उसके कर्मों के अनुसार उसके डीलिंग्स के अनुसार इस जीवन। तो ये विषय हला हले दिवा निशी लिया जाए, और साथ ही साथ लोगों को लगता है कि मैं सुख भोग रहा हूँ इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन वास्तविकता में इंद्रियों के माध्यम से सुख के माध्यम से मैं विष को ग्रहण कर रहा था, मेरे इंद्रियों का जो इंद्रियों के माध्यम से विष ग्रहण कर रहा, और विष कहाँ कहाँ जाके हमें सदा है हृदय में। तो विषय भला है दीवा निशि लिया जाए, और हृदय दिन रात जल रहा था, तो मन कभी सुख नहीं पाए, मेरा मन कभी सुखी नहीं मिल रहा प्राप्त। आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत, इन आशा पाशों से शत शत हजार हजारों हजारों आशाएं हैं, क्लेश दे अविरत कि व्यक्ति जिसकी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती वो बहुत दुखी रहता है। बाहर से उसके दिख सकता है कि बड़ा खाना पीना करेगा, मन में बहुत वो दुखी रहता है, भौतिक इच्छाएं, एवं भक्ति में आने के बाद भी अलग अलग इच्छाएं होंगी उसकी, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता भक्ति में जीवन में भी। तो आशा पाश शत शत, ये आशाएं कैसी हैं, पाश के समान जकड़ के रख देती है व्यक्ति को। क्लेश दे अविरत, अविरत मतलब वो दिन ना दिन देखती है ना रात देखती है, समय देखती है ना स्थान देखती है, हर जगह जैसे मंदिर है ये वैकुंठ का स्थान है वैकुंठ, लेकिन यहाँ पे भी क्या है वो आशाएं परेशान कर रही थी, तो वो आशाएं ये नहीं देखती कहाँ पे है व्यक्ति क्या है, उसे वो दस्ती रहती परेशान। प्रवृत्तिर उर्मीर ताहे खेला, प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब जो उसका वृत्ति, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, उर्मी मतलब जो लहरें, प्रवृत्ति जो उसके स्वभाव के जो लहरें हैं उसका एक खेल, हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, और साथ ही साथ उसके कई सारे बीज होते हैं मन में बहुत जन्मों से, इच्छाएं संस्कार होते हैं, जैसा जैसा उसको संग मिलने लगता है वैसे वैसे इच्छाएं उसकी क्या थे पनपने लगती, बीज तो होते हैं
तो जैसे जैसे संग मिलता है वैसे वैसे वो इच्छाएं बाहर आती है। तो प्रवृत्ति उर्मी रहता है खेला, ये सारा खेल किसका है, इन सारे प्रवृत्तियों को उसमें वो जीवात्मा जो पानी में गिरा हुआ है उस सागर में उस अगर उसे वो लहरों से कभी इधर चला जाता है कभी उधर चलता है, खेलता रहता है। काम क्रोध आदि क्षय वाट पाड़े देव, और रास्ते में जब व्यक्ति रास्ते में जा रहा था सुनसान रास्ता और फिर आपके रास्ते में अचानक गाड़ी आ जाए, उससे 10-12 लोग निकले हाथों में कुछ आयुध हो और आपको बोले जो भी है उसको बांध दो, पहले बांध के आपको लेके जाए, तो जिस प्रकार से ये हालत होती है व्यक्ति की उस समय वैसा एक जीवात्मा की हालत है। एक काम क्रोध आदि छह, ये 6 लोग आके क्या कर रहे हैं, वाट पाड़े मेरी मेरा रास्ता रोक रखा है, मैं जो भी करना चाहूँ उसमें मेरे डोड़ा बन जाते हैं लोग, मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन ये सारी इच्छाएं हैं वो क्या करती है मुझे भक्ति करने में मेरा रोड़ा बन जाती है, रोक देती है। जैसे नहीं हम लोग बहादुरगढ़ में रोक रखे किसान वाले, तो वो आने जाने के लिए बंधन हो गया, नहीं आ सकते, नहीं जा सकते आप लोग। इसी प्रकार काम क्रोध इच्छाएं क्या है, वाट पाड़े देव है अवसान भैला असीला, अरे मुझे शांत नहीं छोड़ रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसे बाहर निकल रहे तुम्हें, तो कुछ लोग कहते हैं ज्ञान का अवलंबन करो, कुछ लोग कहते हैं कर्म का अवलंबन करो, बाहर लोग कहते हैं भैया कर्म करो ठीक, सिर्फ कर्म अच्छे से करो और क्या होगा ठीक, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ईश्वर भी अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल देता है। तो इस प्रकार से बोल के कुछ ठग मिल जाते चोर के। ज्ञान और कर्म बोलते हैं कि क्या करो तुम, तुम्हें चलो 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 चलो, ऐसा ना एग्जाम्पल कभी कोई व्यक्ति भटक गया हो रास्ता, तो बोलते नहीं नहीं मैं दिखाता तुम्हें रास्ता कैसे किस तरह से जाना है तुम्हें, तो फिर क्या करते हैं रास्ता दिखाने के माध्यम से किसी रास्ते में कुछ खिला दिया कुछ पिला दिया फिर वहीं छोड़ दिया और फिर उसका सारा सामान ले। इस प्रकार के कौन है ये ज्ञान और कर्म, व्यक्ति को ठग देते हैं, ये मनुष्य जीवन का जो दुर्लभ वस्तु मिली है उसे वो ज्ञान और कर्म में उसको फंस जाता है, फिर से चक्र में फंस जाता है। भक्ति में भी जा रहा होगा तो ज्ञान कर्म वाले जो प्रवर्तक होंगे वो कहेंगे पागल हो गया तो भक्ति करे मैं कर्म करो, ये लोग सारे सब पागल हैं, लोग तुझे भी सब कुछ छुड़ा देंगे, इस प्रकार के बोल के क्या करते हैं वो आपको फंसा देते, वो बोलते हैं ठग है वो, है वो ठग है, और अब क्या बोल रहे हैं वो दूसरों को ठग बोल, भक्तों को ठग बोल। तो ज्ञान कर्म ठग दई मोरे प्रतारिया रही अवशेष पहले सिंदूर जले, और फिर क्या है अभी चांस में आए मुझे मैं बोट पकड़ूं और बाहर निकल जाऊं इससे या भगवान की शरण ले सकूं, लेकिन क्या करते हैं वो मुझे मेरे मुझे मेरा जो भी एक एसेट है वो छीन लेते हैं और मुझे वापस से जल में फेंक देते हैं सिंधु में, फिर इससे वो चक्र में पड़ देता हूँ। कृपा करी फिर इसलिए बोल रहे हैं ये है ना समय बंधु, ऐसे समय में हे बंधु तुम्हें कृष्ण कृपा से, हे कृष्ण ऐसे समय में सिर्फ आप ही मेरे बंधु, आप ही कुछ करिए, मेरा कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कृपा करी तो लो मोरे बलि। तीसरे में ग्रहण के मुझे इस दयनीय स्थिति से उठाकर निकालो और मेरी रक्षा करो, पति तक किंकरे धरी पाद पद में धूलि करी, हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ परेशान हूँ क्या करूँ मुझे, अब पता नहीं कितने समय से इस सागर में घूमा फिर रहा हूँ, कितना दुख भोग लिया मैंने,
इस पतित को आपका नित्य किंकर दास होना है, यहाँ जैसे श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, इसमें बोलते हैं वास्तविकता में यह सिद्धांत यह है कि जीवात्मा क्या है, भगवान का एक अंश। तो बाकी चीजें उसको जस घुमा फिरा रही थी, वो जस उसका उसको बहला फुसला के उसका जो एसेट है वो छीन रही होती है, उसको और परेशानी में डाल रही होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना सिखा रहे हमारे आचार्य, आचार्य से कुछ क्लियर ही होता है, वो सब कुछ खोल देते जीवन का जो सत्य है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते कभी कभी, उसको खोल के देता है। पतित किंकर धरी पद पद्मे धूली करी, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विष्णे भगवान गुरुं कृपया तव पादपं कज स्थित भूरि सदृशं विचिन्तयन्। तो भक्तों ठाकुर जी के पतित किंकर को आप पकड़ लो और पाद पद्म धूलि करो। आपने एक पाद पद्म धूलि मतलब क्या है, धूलि बना कर रख दो, अपनी सेवा में लगा दो, एंगेज मी इन योर शेल्टर, मुझे अपने शेल्टर में रखो। देह भक्ति विनोद आश्रय, बोलो भक्ति विनोद को क्या करो, आश्रय प्रदान करो। आमी तव नित्य दास भूलिया मायर पाश बद्ध है आछी थया, हे प्रभु मैं बद्धा हुआ माया के पास से, बहुत बुरी तरह बंदा हूँ। अमी तब मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, मुझे आपका फिर से आश्रय दीजिए। इस प्रकार से हाँ अनादि कर्म फल, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से हमारा क्या है कर्मों में हम लोग लगे हुए हैं और उनका हमें ये चक्र चलता ही जाता है, इससे कोई भी रास्ता नहीं है बाहर के लिए, इम्पॉसिबल है। व्यक्ति बहुत दुखी रहता है इन कारण से, ठीक है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कर्म बदलती है ना ये स्वभाव, कुछ अपरे कुछ लोग कहते हैं स्वभाव। भगवद गीता में पांचवें अध्याय में 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, भगवद्गीता 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ये कि जीवात्मा जो कि इस देह का मालिक है वो ना ही कुछ एक्टिविटीज क्रिएट करता है, ना ही वो कुछ लोगों को इंड्यूस करता है कराने के, फिर क्या करा है, और ना ही वो कर्म फल को क्रिएट करता है, तो क्रिएशन कौन करता है। तो बोल रहे हैं भगवान स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से होता है। स्वभाव का श्री प्रभुपाद ट्रांसलेशन बताते हैं कि थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसने किस जिस जिस प्रकार का गुणों को अर्जित किया है अपने पिछले जन्मों में वो क्या है, उन गुणों की वजह से वो कार्य करता है, और उन कार्यों की वजह से उसे क्या मिलता है, रिएक्शन मिलते हैं। फिर उन रिएक्शन जब मिल रहे होते हैं, उन रिएक्शन जब मिल रहे होते हैं तब वो कुछ और गुणों का संग कर रहा होता है, समझ रहे हैं आप लोग, चक्र चल रहा है इसका पूरा। जब उसको पिछले जैसे जीवात्मा जगत में आता है उस वो प्रकृति के तीन गुणों के संग में पड़ जाता है, और जैसे ही संग में आता है तो उन संग के कारण कुछ कर्म करता है, रजोगुण में आएगा या सतोगुण में आएगा या तमोगुण में आएगा या मिश्र होगा, जैसे जैसे उसके गुण होंगे वैसे ही वो कार्य करेगा, जिसको तो गुणी व्यक्ति होगा कर्मकांड में लगेगा, देवताओं की पूजा में लगेगा, रजोगुणी होगा वो क्या करेगा, वो कर्म में लगेगा, उसे लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, काम ही सब कुछ है, काम इंद्रिय भोग ही सब कुछ है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो ठीक को गलत समझेगा, गलत को ठीक समझेगा, आलस निद्रा गलत काम शोक मोह इसमें रहेगा। तो इन चीजों में क्या है, ये तीन गुणों के वजह से वो अलग अलग कार्य करता है, और वो जब कार्य करेगा
तो क्या होगा, उसके फल मिलेंगे उसको बीजा के। और जब उसे फल मिलेंगे, जब उसे फल मिल रहे होंगे, जैसे मुझे अभी ये जो शरीर मिला है मेरे पिछले जन्मों के कार्य कारण मिला है, तो जब मुझे ये पिछले जन्मों का संग के कारण मुझे शरीर मिला है, तो ये शरीर का जब मैं भोग रहा हूँ, मतलब इस ये जो प्रारब्ध कर्मों को मैं भोग रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये इस समय पे मैं कुछ और गुणों का संग कर रहा हूँ, तो उन गुणों के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, और हाँ मेरा स्वभाव और चेंज हो जाएगा, और फिर मैं और कर्म करूंगा, और फिर और रिजल्ट, ऐसे चक्र चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तविकता में क्या है, ये स्वभाव। और इससे बाहर निकलने का उपाय भगवान बताते हैं, इससे बाहर निकलने का एक और एक ही मात्र उपाय, वो क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान के और जीवात्मा का भगवान से संबंध, ज्ञान, यही वास्तविकता में उसको बाहर निकलने का रास्ता। भगवान 16वें श्लोक में बोलते इसके दृष्टांत, ज्ञानी तद अज्ञान येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति। इसलिए ज्ञान से तो इस अज्ञान को क्या करो, खत्म करो। इसलिए बहुत नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णव से श्रवण करना चाहिए नियमित रूप से, अच्छे से श्रवण करना चाहिए। जब अच्छे से श्रवण करते हैं, अभी हमारे मंदिर में जितानंद्र को आए थे, तो पूछे जितानंद्र को से कि प्रभु जी आप इतने समय से हैं और इतना भक्ति में दृढ़ हैं, और आपके कभी मंगल आरती मिस नहीं करते ये चीज़ों से, तो प्रभु जी से पूछा है भक्त ने कि प्रभु जी आपकी सफलता का क्या सीक्रेट, प्रभु जी ने क्या बोला, आपको क्या लगता है? प्रभु जी ने कहा कि जब आप वरिष्ठों से नियमित रूप से, जैसा आपने बोला, सुनते हैं, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, तो अध्याप बहुत बहुत शक्ति प्राप्त है, जैसे प्रभु जी बहुत शक्ति प्राप्त हो जाएगा, जब सुबह शाम में सुनता तो उसे बहुत शक्ति प्राप्त होती है, यही सफलता का। तो ज्ञान, ज्ञान हम लोग दो तरह से अर्जित कर सकते हैं, वरिष्ठ वैष्णों से सुन के, और दूसरा क्या है, स्वाध्याय करके, ग्रंथों को पढ़ के। तो कुछ लोग कहते हैं स्वभाव, कुछ लोग कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा, लेकिन स्वभाव को भी हम लोग बदल सकते हैं भगवान की भक्ति करके। स्वभाव मतलब क्या, इसने ऐसे बोला तो मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसा एक्शन आ गया तो एक इमीडिएट रिएक्शन आ गया। लेकिन स्वभाव को बदलने की शक्ति जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलने लगती है, तो क्या करता है व्यक्ति, एक्शन हो गया तो मैं रिएक्शन नहीं दूंगा, तुरंत रिएक्शन नहीं हुआ, क्या होगा, मैं उसके ऊपर विचार विमर्श करके, सोच समझ के मैं उसके ऊपर उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, उसके अनुसार में कार्य करूं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है, और उसके लिए ज्ञान के साथ साथ शक्ति की जरूरत होती है, और शक्ति हमें प्राप्त होती है जो स्पेशली सुनने से और हरि नाम को अच्छे से करने से, चैंट अटेंटिवली, हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप देखोगे जिस दिन हमने आध्यात्मिक जो हमारा जप है अच्छे से नहीं किया है, उस दिन हमें उतनी शक्ति नहीं मिलती। जिस दिन हमने बहुत प्रयत्न किया, वो दो घंटे का जप होता है, उसमें हमने पूरा छोड़ दिया, मैं अभी इस समय कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ जप करूँगा, और पूरा मन दिया भगवान, अभी हमें बाकी 22 घंटे भगवान आपको दे देते, आपको बाकी 22 घंटे बहुत अच्छा रहे, आपको शक्ति मिलेगी, इस जगत के जो प्रॉब्लम्स हैं, मन के प्रॉब्लम्स हैं, आसपास के सर्कमस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डील करने की आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग जब के समय इस जगत को टाइम दे रहे हैं अपने मन से और क्रियाओं से, जब के समय मन में जगत के विचार चल रहे हैं, जब करते समय कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उन 22 घंटों में
हमारा मन फिर जिस जगत में ही लगा रहता है उसमें ही पूरी तरह मोहित हो जाता, परेशान हो जाता, क्या करें समझ। और फिर तीसरा आता है यहाँ पे एक एक कालम, फिर बोलते हैं दूसरे कुछ लोग कहते हैं काल ही इसका कारण है। तो बलि महाराज जब राजा बनते हैं, स्वर्ग के राजा बनते हैं, इंद्र को खदेड़ देते हैं और फिर अदिति जी तपस्या करती हैं, पयोव्रत करती हैं, अभी शुरू में और पयोव्रत का समय भी होता है फागुन मास में शुक्ल पक्ष में करती हैं अदिति जी। अभी वामन द्वादशी आती है तो वामन द्वादशी में वामन देव प्रकट होते हैं और फिर वामन देव जाके बलि महाराज से याचना करते हैं और बलि महाराज सारी चीजें दे देते हैं। सारी चीज देने के बाद बलि महाराज के जो अनुयायी हैं वो देखते हैं इसने तो ये हमारे राजा के साथ छल, हमारे राजा तो मतलब आउट ऑफ मोरलिटी और बड़े ही अच्छे भाव के साथ इन्होंने इसको दान दे दिया और इस दान के माध्यम से इसने छल करके क्या कर लिया, सब कुछ ले लिया। तो सारे जो असुर हैं, सेनापति हैं बाकी लोग, वो वामन देव के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जब अटैक करने लगते हैं तो वामन देव के जो अनुयायी और देवतागण हैं वो क्या करते हैं, इन लोगों को तुरंत इनके सारे आयुध काट देते हैं, इनको निहत्ता कर देते हैं, कोई उनके पास आयुध नहीं रहता और काफी लोग मर भी जाते हैं। तब बलि महाराज उसे रोक देते हैं, बोलते हैं बलि महाराज जी बोलते नहीं 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 अभी मत लड़ो। तो वहां पर बलि महाराज तर्क देते हैं, बलि महाराज कहते हैं देखो नाम लेते हैं अलग विप्रचिति हे आदि नाम तो राहु आदि चलो, तो उनसे कहते हैं वो कि सुनो ध्यान से क्या है, देखो ये वही लोग हैं जिनको हमने उनके घरों से खदेड़ दिया था, जिनको हमने इनके इनके घरों से खदेड़ दिया था, लेकिन हम लोग आज उनकी वजह उनके उनकी वजह से ही हारे जाए, उन्हीं से हारे जाए। तो समझो बोलते हैं क्या कि जिस समय हमने इनको खदेड़ा था उस समय काल इनके फेवर में था, ऐसा काल हमारे फेवर में था, आज काल इन लोगों के फेवर में। तो आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी ट्राई करो, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। काल क्या है आज इन लोगों के फेवर में। तो यहां बोलते हैं कुछ लोग क्या कहते हैं एक एक कदम परे देवम, और कुछ लोग कहते हैं भाग्य, श्री प्रभुपाद बोलते हैं ज्योतिषी, कुछ लोग कहते हैं भाग्य, इस भाग्य के कारण भाग्य से मिलता है और है ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ लोग कहते हैं भाग्य, ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं अभी इतने समय से इतने समय तक क्या होगा आपका ये थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा, ये दोष है आदि आदि चीज। ज्योतिषी लोग ये और ये भी गलत नहीं है, ज्योतिष क्या है ये वेदांगों का छः जो पार्ट उनमें से एक ज्योतिष एक अंग, तो उसके माध्यम से भी पता चलता है कि व्यक्ति को के जीवन और वो कैसे डिसाइड होता है कर्मों से डिसाइड। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं जब ज्योतिष के बाहर जाते हैं कि मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है और पश्चाताप करूंगा, जैसे गजेंद्र ने किया, व्यक्ति ये नहीं सोचता, व्यक्ति ये सोचता कि ये ऐसा ऐसा है इसका प्रतिकार करना है बिल्कुल, लेकिन उसके मन में ये पश्चाताप नहीं होता कि भाई मैंने ये ऐसा कर्म किया होगा मैंने तो आगे मुझे आगे अभी गंदे कर्म नहीं करने चाहिए और मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है, मैं परेशान हूँ तो आगे से ऐसे कर्म मैं कर्म करना ही नहीं चाहता, मतलब जिससे मुझे रिएक्शन प्राप्त, तो अकर्म कैसे हो। तो वो अकर्म करने का जो तरीका है भगवद गीता बोलती है क्या है, जो भी कर रहे हो क्या करो भगवान के लिए करो, ठीक है। तो इससे हम लोग दैव से भी बच सकते हैं। आखिरी क्या है काम, प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया काम का, काम का ट्रांसलेशन प्रभुपाद बोल रहे काम मतलब इच्छा। एक श्री वैष्णव का मैं प्रवचन सुन रहा था, श्री वैष्णव कह रहे थे ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है इनमें काम सर्वश्रेष्ठ है,
मतलब बड़ा हैरान हुआ जब हमने क्लास को ऐसे शुरू किया, ऐसे बोल रहे तो काम सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर वो बता दे काम मतलब क्या। हम बोलते इच्छा, कोई व्यक्ति इच्छा करने के बाद, इच्छा करके स्वर्ग जा सकता है, इच्छा करने के बाद वो इच्छा करके क्या कर सकता है, कुछ कर्मकांड का अनुष्ठान कर सकता है, इच्छा करके वो क्या कर सकता है, ज्ञान का अनुष्ठान कर सकता है, इच्छा करके क्या कर सकता है, वो भगवान की भक्ति कर सकता है, इच्छा करके क्या कर सकता है, गुरु की शरण ग्रहण कर सकता है। तो इच्छा ही व्यक्ति के आगे जो भी होगा उसके साथ वो डिसाइड करता है, और अब तक जो भी हुआ है उसके साथ वो इच्छाओं की वजह से ही हुआ। तो हमारे पास हमेशा क्या आती है, चॉइस होता है। लोग कहते हैं ना कि विल, वी हैव फ्री विल। विल भी मतलब एक्चुअली हमारे पास विल इन द सेंस हम लोग जो चाहे वो नहीं कर सकते, हमें एक चॉइस दिया जाता है। हम इच्छा करके नहीं कर सकते, हमें चॉइस दिया जाता है, उसमें से हमें चूज करना होता है। और वो चूज करने की जो विल फ्रीडम है वो हमारे दी जाती है। हमें हमारे हमारे पास ना, हमें हमेशा भगवान की शक्ति के द्वारा दो चीजें, दो चार चीजें जो भी ऑप्शंस फेंके जाते हैं, कभी भी आपके साथ कोई सर्कमस्टेंसेस हुए तो आप देखोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, विचार करने लगता है व्यक्ति क्या करना चाहिए। अब उसमें से जो चूज करना है उसकी जो फ्रीडम है आपके पास, और वो करके हम क्या कर सकते हैं, अपना आगे का जीवन बदल सकते हैं। जैसे व्यक्ति होता है ना, दसवीं के बाद किसी ने साइंस चूज कर दिया तो उसके फिर वो पूरा यही बदल जाता है, रूटी बदल जाती है। किसी ने आर्ट चूज कर दिया उसका रूटी बदल जाती है। तो इसी प्रकार व्यक्ति ने वो चूज करने का उसके पास चांस, फिर उसके बाद आगे का उसके हाथ में नहीं, आगे उसके साथ जो होगा, जैसे वो अभी उसकी इच्छा के अनुसार सारी चीजें होंगी जो रूट उसने चूज करी, ठीक है। तो आखिर में काम तप, तो ध्रुव महाराज से स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि इन चीजों को समझो ध्रुव, वास्तविकता में वो यक्ष ही नहीं के, यक्ष के माध्यम से तुम्हारा जो बड़ा भाई भाई है उसको मारा गया, उसका हो सकता है काल आ गया, उसका काल आ गया था, उसका भी भाग्य था इसी समय उसे उसके द्वारा ही मरना था उसको, उसने उसके साथ कुछ किया हो तो उसको मरना था, फिर उसका कोई कर्म होगा उसके द्वारा भी किसी ऐसे व्यक्ति का हत्या हुई होगी जिसने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, निर्दोष होगा, उसके द्वारा भी कुछ हुआ होगा ऐसा पिछले जन्म में जो उसके साथ अभी बुरा है। और स्वभाव स्वभाव मतलब भी उस समय तीन गुण ऐसे कार्य कर रहे थे, तो जो गुण में वो भी आ गया, ये भी आ गया, झगड़ा है मर गया। इस प्रकार के उनको समझा रहे हैं, तुम्हें छोड़ दो, ठीक है, तुम्हें यही विराम दूंगा। तो आप लोगों को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा लगता है प्रेम करते हैं। मेरा प्रश्न है कि जैसे अपने अभी जीव जब भौतिक जगत में आता है तो गुणों के संपर्क में आता है, तो पॉइंट इज की जब वो साइकिल में है कर्मों के, तब तो अपने कर्म क्या बढ़ेगा, जब उनके संपर्क में तब उनके संपर्क में सदा होंगे, क्या होता है कि ये बहुत भक्तों को क्वेश्चन रहता है, शुरुआत में कैसे आया, शुरुआत में क्या है, इसलिए तो रहता है कि भाई क्यों आया, चलो ये इसको आंसर पेपर देते हैं, लेकिन ये जो आपने कहा कि गुणों के अकॉर्डिंग मतलब कैसे आता है शुरुआत में, वहाँ इसलिए भक्तन भाई बोलते अनादि कर्म फल, पता नहीं कब आया, ये अनंत है, अनलिमिटेड, ये व्यक्ति सोच ही नहीं सकता कब क्या हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वह शुरुआत में जब आया था उसको भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जमाने की इच्छा थी, इसलिए उसे ब्रह्मा बनाया जाता है।
तो जब ब्रह्मा बनाया जाता है पूरे सृष्टि के सारे लोगों का संग उसको मिलता है। उस सृष्टि में जितने भी जीवात्मा है उसके माध्यम से हो रहा होता है सब। तो he has to come in contact। तो फिर तो उसके बाद तो फिर वो आ गया है, समझ पाए। he has to, because ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे लोग हैं and he is in direct contact with all the jivas, पहले के जो जीव। तो वो जीवों में तो जीवों के संपर्क में तो आ ही रहे ना, उनके माध्यम से पैदा, तो उनके संपर्क में तो आ ही रहे। तो वो तो पहले तो वो पहले ये होते हैं जब तपस्या करते हैं, और फिर जब क्रिएशन करने लगते हैं, जब क्रिएशन नहीं करते तब तक तो ठीक है, उसमें भी वो परेशान होते हैं, मोड्स तो घूम ही रहे तो वहाँ पे होते ही। लेकिन बाद में जब क्रिएशन करने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको संग मिलता है अलग अलग लोगों का, उनके माध्यम से जीवात्मा प्रकट होते हैं। तो जब प्रकट होते हैं कुछ ऋषि मुनि बनते, कुछ असुर बनते, कुछ देवता बनते, कुछ ये बनते, कुछ बनते, तो उनका संग तो मिलेगा ही। उनका जैसे हम कोई मैनेजमेंट करते हैं तो हर एक प्रकार के लोगों से मिलना होता है, तो उसके सिर पे चढ़ जाता है, उसका संग हो गया आपका थोड़े से दूर, इसका संग हो गया, किसी भक्त का संग हो गया तो वो भी चढ़ जाता है। तो इस प्रकार जितने भी लोग मिल रहे हैं, लोगों का संग हो रहा है जीवात्माओं का ब्रह्मा जी के माध्यम से, तो उनका संग ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहा है। अगर मैं जस्ट एक फिर बाद में तो फिर ब्रह्मा जी के उनके तो संग मिल गया उनको, उसके माध्यम से जैसे जैसे कर्म करेंगे वो, जिसका ज्यादा संकट लिया ऐसा नहीं कह सकते इसको, तो उसके अनुसार फिर मानो रजोगुण का ज्यादा संकट है तो फिर रजोगुणी व्यक्ति बन गया, सतोगुण का कर लिया तो सतोगुणी बन गया। मतलब शुरू में ऑप्शन है, किसी का भी तीनों का भी मिल सकता है, ज्यादा कम नहीं हो सकता। और फिर एक बार गिर गया सागर में तो पता नहीं कौन सी लहर आके कब डूबा, कब नीचे ले जाए। और ऐसा नहीं कि एक ही है, दो चार है। अब सागर में कभी कोई डूबा है या फिर तैरा है? सागर मतलब वो पानी इट्स ओवरवेलमिंग, एक्चुअली इतना ओवरवेलमिंग होता है, यू आर कुछ कंट्रोल में नहीं होता। ये तो नॉर्मल सागर है, बहुत सागर की बात करेंगे। क्षुद्र जीव कहने के लिए ब्रह्मा है, लेकिन फिर कि बहुत क्षुद्र है वो इस जगत में आता है। तो आपने इच्छा की बात की कि वैसे तो कहते हैं फ्री विल हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पर आप जैसे बता रहे थे कि इच्छा के आगे ऑप्शन है, भगवान अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं, तो देखा जाए तो एक्चुअली फ्री नहीं है एक प्रकार से, नहीं है बंदे, एक प्रकार से बंदे हैं। और एक तरफ से फ्री विल दे भी दिया भगवान की, ऑप्शन दे दिया, उसमें ऑप्शन है फ्री विल है। ये बोलते हैं मनुष्य जीवन में आपको ज्ञान का अवलंबन करना है या कर्मों के अनुसार, शास्त्र में जैसे दिया वैसे करना है, शास्त्र आपके ऊपर ऑप्शन है। सामने आपके पास कुछ मोबाइल गिर गया है रास्ते में किसी का, और आपके पास ऑप्शन है उसको उठा लो, खुद यूज कर लो, या फिर उसको कुछ आपके पास ऑप्शन है, इसको छोड़ी दो, मुझे क्या करना। पहले के जमाने में लोग उठाते नहीं थे किसी की चीज, उसका मल होता है एक्चुअली, इस एक दृष्टि में गंदगी है उसकी, उसके कर्म है, उसको छूना भी नहीं चाहिए। पहले लोग जानते थे, आजकल के लोग ऐसी बात करते इच्छाएं जैसे यहाँ पे ज्योतिष का बुलाया गया है, इच्छाओं के अनुसार क्या होता है कि उस समय वो चीजें आपके ऊपर एक्ट करें, जब आपका वो कर्म फल फलीभूत भरा होगा, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, फेट काल इच्छाएं, ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपके कर्मों के अनुसार। जिस काल में आपका वो फल फलीभूत होने वाला है उसी के अकॉर्डिंगली आपके अंदर इच्छा प्रकट, समझ पा रहे? वैसी इच्छाएं उसी के अनुसार आपके प्रकट। जैसे अभी बच्चा होता है, बच्चे के अंदर जवान व्यक्ति जैसी इच्छाएं नहीं होती, उसका काल अभी है नहीं, लेकिन उसकी चीजें कुछ फलीभूत होने वाली हैं, 30-35 में होंगी समझो, तो काल आ गया उसमें, फेट है,
और फिर उसी समय इच्छा प्रकट होती है, समझ में। और वो इच्छाओं को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं संग करके, और वो संग ऐसा संग होना चाहिए जैसे वो चेंज करने के लिए सिर्फ बहुत पावरफुल संग होना चाहिए, किसी बात बहुत पावरफुल संग, नहीं तो फेट को चेंज करना लगभग असंभव। फेट और जो इच्छाएं हैं ये कई बार देखा गया है कि लोग बड़े बड़े महाराज का संग करते हैं फिर भी इच्छाएं रहती हैं, वो चेंज होती हैं। तो बहुत अच्छा संग लेने के बाद, अच्छे से संग लेने के बाद तभी वो चेंज हो सकते हैं। पूरी नहीं करते हैं। जैसे एक बच्चा है या किसी कुछ खाने की इच्छा है कुछ भी है, तो हम जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारी इच्छा जन्मों जन्मों तक बनी रहती है। तो किसी भी जन्म में अगर इच्छा हमें पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद हम उस इच्छा को त्याग कर फिर हमारे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी होता है, अगर आप कह रहे हैं कि जैसे कि भक्तों का सब या महाराज जी का सब करें, हमें अपनी इच्छा को भगवान की तरह मोड़ दें, अगर हम अपनी इच्छा को भगवान की तरह मोड़ देते हैं, उनकी सेवा करते हैं या जो भी इच्छाएं हैं, तो फिर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी की इच्छा रहेगी वो रहती है। तो ये उस इच्छा को पूरे करके हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर ऐसे ही मतलब हो सकता है कि हम लोग उसको जब छोड़ दें। प्रश्न बहुत अच्छा है, सुंदर प्रश्न। तो आपने अभी ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा, ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी? ब्रह्मा जी से बड़ा लोग चाहिए। लेकिन जब भगवान को उनका संग मिल गया, उनको क्या बोला उन्होंने? काचन विचन वन बहु दिव्य रत्न कृतार्थ वरम याच। मैं तो कांच के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए घूम रहा था, मुझे दिव्य रत्न प्राप्त स्वामी कृतार्थ हो गया, कुछ नहीं वरम नहीं चाहिए। तो जब हम लोग आध्यात्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं तो भौतिक शक्ति की जो इच्छाएं हैं वो स्लिप हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं भगवान परम दृष्टान वर्तते। हम सामने पनीर होगा तो हम लोग दो तीन दिन पुरानी चपाती और वो खाएंगे नहीं, बासी रोटी। तो इस प्रकार जब हमारी कुछ आध्यात्मिक, हमारा मन पूरी सेटिस्फाइड आध्यात्मिक चीज़ों से, हमारा हृदय भगवान के द्वारा भगवान के प्रेम से भरा हुआ है, तो फिर हमें कुछ बाकी चीज़ जो हमारी इच्छा थी वो नहीं भी मिले तो भी वी डोंट वांट, ऐसे वैसे चाहिए ही नहीं उसको। उसके बाद में उसे लगता है कि नहीं भगवान मिल गए कृष्ण, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं थी, समझो भगवान के पास जाने की भगवान पूरी कर देते उसकी इच्छा। उसको ध्रुव महाराज को दिया उन्होंने, उन्होंने 36,000 साल तक राज्य करो, ध्रुव महाराज कहते कहाँ फंसा रहे भगवान मुझे, 36,000 सालों तक इन लोगों का पालन करना पड़ेगा मुझे, आपका संग मिल रहा है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी तो आपका संग मिलेगा नहीं मुझे। इसलिए कभी बोलते हैं भैया भगवान के सामने इच्छा थोड़ा विचार पूर्वक करना, वो बाद में आपको बाद में लगेगा नहीं चाहिए तब भगवान बहुत पूरी करेंगे अपनी इच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों इच्छाएं हैं, पता नहीं कितनी इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि एक एक जीवन में आप भक्ति करो तो सारी इच्छाएं तो एक जीवन में पूरी नहीं हो सकती, हम कुछ इच्छाओं के लिए इस जीवन में आए, वो इच्छाएं मनुष्य जीवन में उतनी इच्छाएं पूरी होती, बाकी इच्छाएं पशुओं में हो सकती, लेकिन वो इच्छाएं आई होप मैं आप से मेन थिंग है परम दृष्टान बढ़ते समझ, आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया फिर सारा गया बहुत तुच्छ लगने लगता है, ये पागल हो गया था ये मल जैसी चीज को मैं अच्छा बाद में उसे तिरस्कार करता हूँ, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है।
हम लोग इसको जाना जा सकते हैं, प्रश्न पूछेंगे। भगवान एक्चुअली वो वहाँ पे बोला गया कि वो लोग भगवान के द्वेषी होते हैं, भगवान के प्रति अपराध करते हैं, तो उनका कोई परित्राण नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूँ, बार 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 मैं घुमाता रहता हूँ। और आपका प्रश्न है कि तो ऐसे जीवात्माएं तो नहीं, तो क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, यहाँ से पता चलता है कि भगवान से भी ज़्यादा कृपा लो, भगवान की एक शक्ति होती है कृपा शक्ति। वो जो शक्ति है वो भगवान की इच्छा शक्ति के ऊपर आ जाती है, इज मोस्ट पावरफुल शक्ति भगवान की कृपा शक्ति। भगवान जब जीवों को दुखी देखते हैं, वो तो बोलते ही हैं भगवान ऐसे लोगों को करता हूँ, वो मेरी शरण में नहीं आते, काम ही सब कुछ है बोलते हैं, तो उनको भेजता हूँ। लेकिन भगवान की एक कृपा शक्ति, कृपा शक्ति की वजह से वो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, चांस देते हैं उन लोगों को। अभी उनमें से जिसने चांस लिया वो बच जाए, अब उसके ऊपर चॉइस है। जिसने किसी वैष्णव की संग कर लिया और वैष्णव को थोड़ा सेवा कर दिया, तो उसको लगता है कि ओ मेरे भक्त की सेवा की, इसलिए मैं इसे छोड़ दूँ, माफ कर दूँ। इसलिए भक्त वॉकिंग तीर्थ है। जैसे वो क्या नाम उनका, धनंजय क्या नाम था, देवानंद पंडित, उनसे अपराध हुआ था उनके प्रति, श्रीवास ठाकुर जी, लेकिन और महाप्रभु उनको देने नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ उनकी बक्रेश्वर पंडित जी की सेवा, तो फिर महाप्रभु ने उनको माफ़ किया, फिर उनको बाद में शिवाज ठाकुर जी की माफी मांगी। इसी प्रकार हालांकि भगवान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है उनके द्वारा भक्त का संग हो जाता है, भक्त की कृपा हो जाती है, भक्त का सेवा हो जाता है, तो फिर भगवान को लगता है, भगवान का हृदय फिर सदैव हो जाता है, वो मेरे भक्त के प्रति थोड़ा सा इसने अच्छा किया तो मैं इसको, इसलिए भक्तों को भ्रमण करते रहना चाहिए। भक्त को हर्ट कर रहे हैं तो फिर भगवान उसी प्रकार दुखी हो जाएंगे। लेकिन हम इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, गलती से हो गया। हाँ, अगर हमें पता चल गया कि हो गया, क्या आता है अनइंटेंशनली भी हो जाता है, तो भी हमारा जो भक्ति का जो प्रेम का फ्लो है, प्रेम मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो रुक जाता है, तो हमें तुरंत इंट्रोस्पेक्ट हो जाना चाहिए, मैंने कहा किस वक्त से क्या कुछ कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा मैंने, मेरे कुछ एक्शन से हुआ होगा, तुरंत उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे माफ़ी मांगनी है, कुछ गिफ्ट देना है, कुछ करना है, कुछ करके वो सॉल्व करो, ताकि आपका और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो फिर से एस्टैब्लिश हो जाए, नहीं तो कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं, कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं फिर नहीं। ठीक, कृष्ण कहते हैं भक्त मेरा हृदय, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, मन में हो गया जिसका स्वभाव मुझे अच्छा, ये स्वभाव है एक्चुअली, भक्त स्वभाव नहीं होता, भक्त तो भगवान का भक्त होता है, स्वभाव मतलब उसको अलग अलग प्रकार के गुण मिले, उनसे शरीर मिले बनाए, उसका एक प्रकार का स्वभाव बन गया, तो उस स्वभाव से हमारा अनबन होता है। तो अगर हमें है ऐसा कुछ तो उनसे रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करो, उनको आदर दो वैष्णव को जैसा आदर देते हैं बाहरी रूप से, लेकिन अगर दूर, लेकिन डोंट हर्ट,
नॉर बाय वर्ड्स नॉर बाय माइंड से द्वेष ना रखो, शारीरिक रूप से तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है।